अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम अच्छे से जानती हो कि तब तुमने क्या किया था, इसलिए आप थोड़ा लिहाज करके रहो। लेकिन दीदी मैंने किया क्या? कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, यही कहने के लिए लाई थी तुम्हें यहाँ। तुम जानती हो ना कि तुम्हें इस शादी में क्यों बुलाया गया है? जस्ट बिकॉज तुमने अक्षय को जन्म दिया है, माँ हो उसकी। अब कल को लोग पूछेंगे कि माँ क्यों नहीं आई शादी में, और हमें असली वजह बतानी पड़ी तो इज्जत तो हमारे ही परिवार की जानी। तो कम से कम अब अपने परिवार की इज्जत का लिहाज करो और अपने बेटे पर थोड़ा सा एहसान कर दो और नाटक करो कि तुम इस परिवार की हो। लेकिन हाँ, इस परिवार की बनने की कोशिश कतई मत करना, क्योंकि तुम न कभी इस परिवार की थी और न कभी बनोगी। समझ गई ना मैं क्या समझाना चाहती हूँ, या फिर और समझाऊं? और एक बात, मुझे कुछ नहीं पड़ी है। तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सोचती हो, तुम क्या चाहती हो, कुछ नहीं पड़ी मुझे। इसलिए जब मैंने कहा कि उस लड़की ने अब तक शादी क्यों नहीं की, तो तुम्हें अपनी राय देने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं तो सिर्फ यही बोल रही। बोलना ही नहीं है, बोलने को कहा जाए तो भी नहीं बोलना है। सिर्फ इतना बस, समझ गई ना क्या करना है? समझदार हो, आंसू पूछो और चलो। सॉरी, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, ये शादी नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर भर तो रहूंगा, लेकिन मेरे दिमाग में हर वक्त राजी चल रही होगी। आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हारे साथ कभी लॉयल नहीं रह पाऊंगा, मैं तुम्हें कभी खुश नहीं कर पाऊंगा। आई एम रियली सॉरी, मैं ये शादी नहीं कर सकता। अब क्यों रो रही हो तुम? अब ये रोकर क्या फायदा है? गलती तुम्हारी भी कुछ कम नहीं है रिया, ये सब कुछ जो हो रहा है ना, तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। अरे रणबीर, हाँ कहता तो तुम हाँ कहती, वो ना कहता तो तुम ना कहती, रात को दिन तो दिन, दिन को रात तो रात। देखा तुमने क्या क्या होता तुम्हारे साथ, फिर से छोड़कर चला गया तुम्हें। एक बार फिर रणबीर तुम्हें छोड़कर चला गया प्राची के लिए। तुम्हें क्या करूं बूजी, क्या करूं मैं? मेरे पास पहले कोई चॉइस थी, हाँ या भी कोई चॉइस है तो बताओ। इट्स जस्ट माई बैड लक, मेरी बदकिस्मती है कि मुझे ऐसे इंसान के साथ प्यार हुआ जो मेरी परवाही नहीं करता। He doesn't care about me. मेरी खुशियां, मेरे सपने, मेरे अरमान, He doesn't give a damn. और वो प्राची कभी कुछ नहीं करती अपने प्यार के लिए, रणबीर के लिए, इस परिवार के लिए, नथिंग। और पता है, उसे तो भगवान जी सब कुछ दे देते हैं, और मैं तो अपनी जान तक देने को तैयार हूं, पर मुझे क्या मिलता है? कुछ नहीं, नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग।
से ये गालियां हर बार खाली रह जाते हैं। रणबीर मुझे हर बार ऐसे ही छोड़ देता है मंडप में। क्यों क्यों भगवान क्यों? अरे कहां का इंसाफ है ये? मेरी इतनी घटिया किस्मत क्यों है? क्यों? मॉम, मुझे तो लगता है उस प्राची को फल मिल रहा है। प्रज्ञा मॉम ने जो पूजा पाठ की थी ना, उस सब का फल मिल रहा है उस प्राची को, क्योंकि वही तो उनकी बेटी है। और मैं तो मुझे हमने सब कुछ गलत किया है। भगवान पे विश्वास करना तो दूर की बात है, उनका नाम तक नहीं लिया हमने। अरे नहीं लिया तो क्या हो गया रिया? विश्वास तो पूरा है ना। और भगवान भी कहते हैं कर्म कर फल मिल जाएगा, और वही तो करते आ रहे हैं और वही कर रहे हैं रिया। और तुम तो पूजा पाठ कर रही हो ना, क्या हुआ फल मिला तुम्हें? फिर से एक बार फिर रणबीर तुम्हें यहाँ मंडप पे अकेला छोड़ के चला गया है। और कोई कितनी पूजा पाठ क्यों ना कर ले रिया, मैं तुम्हारी खुशियां नहीं लुटने दूंगी। कोई नहीं छीन सकता रणबीर को तुमसे, चाहे फिर वो प्रज्ञा की ही पूजा पाठ का नतीजा क्यों ना हो। नहीं मिलने दूंगी मैं प्राची को उसका फल, नहीं लुटने दूंगी तुम्हारी खुशियां। एंड आई प्रॉमिस यू रिया, आई प्रॉमिस यू, रणबीर और प्राची को अलग किया है ना हमने, दोबारा से प्राची इस घर पे वापस नहीं आएगी, लौटकर दोबारा नहीं आएगी। मैं प्राची को यहाँ पर नहीं आने दूंगी, आई प्रॉमिस यू। मैं रोकूंगी रणबीर को, मैं रोकूंगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।